लोकसभा चुनाव फिर विधानसभा, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का क्या हो? चुनाव से पहले सियासत का पारा हाई, क्या अब पार्टी की खत्म हुई कहानी? दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल गुरुवार शाम को ईडी की पूछताछ के बाद उन्हें उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है और विपक्षी नेताओं ने इस कदम को गलत तथा असंवैधानिक भी करार दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का कहना है कि बीजेपी ये सब लोकसभा चुनाव में अपनी हार के डर से कर रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि यह शर्मनाक दृश्य आजाद भारत में पहली बार देखने को मिल रहा है। बताते चलें कि अरविंद केजरीवाल गुरुवार शाम ईडी के हेडक्वार्टर ले जाया गया, जहां उन्होंने रात बिताई। यह घटनाक्रम ईडी के समन के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केजरीवाल को अंतिम राहत देने से इनकार करने के ठीक कुछ घंटे बाद ही हुआ। दरअसल जांच एजेंसी पूछताछ में शामिल होने के लिए केजरीवाल को 9 समन जारी कर चुकी है, लेकिन उन्होंने लगातार समन स्किप किए हैं। कथित शराब नीति घोटाले समेत अन्य मामले में आम आदमी पार्टी के अब तक 4 सबसे बड़े चेहरों को केंद्रीय एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार किया है। पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के सामने नया नेतृत्व खड़े करने की मुश्किलें भी खड़ी हो गयी। आम चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। देश की 23 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। अब ऐसे में पार्टी के सामने बड़ा राजनीतिक संकट भी खड़ा हो गया। आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और असम में अपने उम्मीदवार उतार रही है। 2024 के चुनाव में इंडिया ब्लॉक में आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण हिस्सेदार है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के पूरे चुनावी कैंपेन पर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि रणनीति से लेकर प्रचार की भूमिका में उसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक मौजूद ही नहीं रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद ही आम आदमी पार्टी इसी साल होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही थी, जिस पर अब संकट आ गया है। लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मिशन पर भी ग्रहण लग सकता है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 1 साल से जमानत नहीं मिली है। अगर ऐसा ही केजरीवाल के साथ हुआ तो संभव है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से भी केजरीवाल को दूर रहना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन कुछ महीना पहले आम आदमी पार्टी ने एक कैंपेन भी लॉन्च किया था, जिसमें जनता से राय मांगी गई थी। केजरीवाल को जनता का समर्थन मिला था कि अगर गिरफ्तार होते हैं तो जेल से ही सरकार चलाएं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कानूनी रूप से जेल में रहकर भी केजरीवाल सरकार चला सकते हैं। केजरीवाल के पास फिलहाल कोई पोर्टफोलियो नहीं है, ऐसे में अदालत से मंजूरी के बाद वो जेल से कैबिनेट की मीटिंग और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इससे पहले सत्येंद्र जैन भी गिरफ्तारी के बाद कैबिनेट मंत्री बने हुए थे, हालांकि उनका प्रभार दूसरे मंत्रियों को दिया गया था। लेकिन इससे पहले तमिलनाडु के मंत्री सैंथली बालाजी भी गिरफ्तारी के बाद मंत्री बने हुए थे। मुख्यमंत्री अपने मंत्री परिषद के काउंसिल में एक मंत्री होता है, जिसका स्थान प्रथम होता है। हालांकि आम आदमी पार्टी को यह भी संभावना है कि यूनियन टेरिटरी होने के नाते दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कहीं अरविंद केजरीवाल को पद से मुक्त ना कर दे। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी फिलहाल अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। अगले कुछ ही महीनों में आम आदमी पार्टी और उसके नेतृत्व को अदालत के चक्कर लगाए देखा भी जा सकता है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार मिशन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब चिंता है तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए आम आदमी पार्टी बड़ी तैयारी के साथ खड़ी उतर रही थी मैदान में। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का वो चेहरा आखिरकार सलाखों के पीछे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।